तो हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू निर्माणा क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में एमपी जीके की। तो ये जो है क्लास थ्री होने वाला है, थर्ड क्लास है ये। इसके पहले हमने क्लास वन और क्लास टू कंप्लीट कर ली है। क्लास वन में हमने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी और क्लास टू में हमने कम्प्लीट किया है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी। उसमें हमने पढ़ा है कि आखिरकार एमपी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश अभी जैसा है वैसा कैसे बना, कब डिविजन हुआ, कब नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, वगैरह वगैरह। हमने सारी चीजें क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लिया। तो इस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट एमपी जीके पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आपका एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो दिसंबर में होने वाला है। और आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है एमपी जीके का, वो है आर्ट एंड कल्चर। तो स्टार मार्क करके इसको रख लो। आर्ट एंड कल्चर से हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एमपी में। मैंने एनालिसिस भी आपको दिया था अपनी फर्स्ट क्लास में, जिसने नहीं देखा है प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर देख लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट को। ठीक है, तो पहली क्लास देखोगे क्लास वन, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि मैंने क्वेश्चंस का एनालिसिस बताया था कि आखिरकार कितना वेटेज होता है, कहाँ से क्वेश्चन कितने आते हैं। तो हमने उसमें एक चीज नोटिस की थी कि आर्ट एंड कल्चर का सबसे ज्यादा डोमिनेशन होता है एमपी के जीके में। तो आज हम इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर थ्री जैसे कि देखोगे मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि वो उसमें हिस्ट्री है, वो हम बात करेंगे, पर पहले आर्ट एंड कल्चर करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब आर्ट एंड कल्चर में हमें पढ़ना क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। मेजर ट्राइबल नॉन ट्राइबल डायलेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, कितने सारे ट्राइब हैं, क्या ट्राइब्स के क्या लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में। मेजर आर्ट एंड कल्चर जिसमें हम स्तूपा पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे, फिर मेजर फेस्टिवल जो एमपी में होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, म्यूजिक एंड डांसेस पढ़ेंगे, आर्ट और फोक आर्ट पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, मेजर अवार्ड्स वगैरह, ये सब कुछ हम करेंगे तो हमारा एमपी का कल्चर जो है खत्म हो जाएगा। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। वैसे ही जैसा हर क्लास चलता है वैसे ही ये भी चलेगा, पहले बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। अब बात करते हैं देखो डायलेक्ट्स में। तो एमपी के जो डायलेक्ट्स हैं, एमपी में दो तरह के डायलेक्ट्स होते हैं, एक होता है नॉन ट्राइबल, एक होता है ट्राइबल। मतलब ऐसे लोग जो ट्राइबल जनजाति से बिलोंग करते हैं, एक वो भी बोलते हैं, एक उनकी लैंग्वेज होती है, और एक जो ऐसे लोग हैं जो लोग नॉन ट्राइबल है उनकी एक अलग डायलेक्ट होती है। ठीक है, नॉन ट्राइबल डायलेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देखोगे कि मेजरली कौन सा, मलवी, बुंदेली, निमारी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब रीजनल डायलेक्ट्स है, अलग अलग लोकेशन पे रीजन में बोले जाते हैं, है ना। अनलाइक ट्राइबल डायलेक्ट्स, इन लोगों इसमें कुछ इसमें सिमिलैरिटीज मतलब जो है ना वो हिंदी से होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे जितने भी नॉन ट्राइबल डायलेक्ट्स हैं इसमें आप देखोगे ना, इनकी जितने भी डायलेक्ट्स होती हैं इसमें कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ हिंदी से ही ये चीज बनी हुई है, ओके हिंदी से ही इसका ओरिजिन हुआ है, ऐसा करके दिखेगा लैंग्वेज को पढ़ने पे भी। लेकिन ट्राइबल डायलेक्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से। तो यहाँ पर देखो इससे क्वेश्चन वैसे ज्यादा नहीं आते, पर फिर भी हम बात कर रहे हैं। देखो पहला है बुंदेली। तो बुंदेली जो है वो मोस्ट वाइडली स्पोकन है पूरे स्टेट में, एमपी में सबसे ज्यादा कोई डायलेक्ट बोली जाती है नॉन ट्राइबल के द्वारा, तो वो है बुंदेली, इसलिए यहाँ पे बुंदेली को मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ना है कि ये प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म ऑफ डायलेक्ट इज वाइडली स्पोकन इन निवारी, तिकमगढ़, सागर और नरसिंहपुर और पन्ना। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो बुंदेली का प्योर फॉर्म है ना, तो मैक्सिमम जगह पे बुंदेली कहाँ बोली जाती है, तो वो है निवारी, तिकमगढ़, सागर, नरसिंहपुर और पन्ना, इन जगहों पर बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। श्री महेश कटारे यूपी से बिलोंग करते थे और इन्होंने ही पहली डिक्शनरी बुंदेली लैंग्वेज में क्या की थी, कंपाइल की थी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। श्री महेश कटारे यूपी से बिलोंग करते थे और ये पहले इंसान थे जिन्होंने बुंदेली लैंग्वेज में डिक्शनरी को कंपाइल किया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें एक चीज और है, बाघेली क्या होती है, बाघेली कौन सी लैंग्वेज, कौन सा डायलेक्ट होती है। देखो बाघेली के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें आपको दिखाएगा कि मॉडिफाइड वर्जन है अर्ध मगधी का, है ना। मगधी लैंग्वेज आपने सुनी होगी, तो ये अर्ध मगधी है बेसिकली, है ना, अर्ध मगधी का मॉडिफाइड वर्जन है, विच इज प्रीवेलेंट इन कहां बोली जाती है, रेवा में, सतना में, सीधी में, सिंगरौली में। मैप में आते हैं, ठीक है, मैप में देखोगे तो रेवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, इस एरिया में जो है आपको कौन सा बाघेली बोली जाती है ना। अब बुंदेली कहां पड़ा था हमने, किस रीजन में, वापस देख लो एक बार ताकि आपको याद हो जाए कहां पड़ा था बुंदेली। बुंदेली हमने पढ़ा था तिकमगढ़, निवारी, नरसिंहपुर वाले एरिया में, और ये कहां पर है, ये आपका यहां पर है, ठीक है, तिकमगढ़, है ना, नरसिंहपुर, यहाँ पे जो होशंगाबाद था, नरसिंहपुर था यहाँ पे, ठीक है। तो इस एरिया में आप देखोगे तो बोली जाती है आपकी बुंदेली, ठीक है, बुंदेली और बाघेली हो गया। नेक्स्ट क्या है, हाँ एक चीज और देखो, परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश, दीज बुक्स इन बाघेली आर रिटन बाय रेवा किंग विश्वनाथ सिंह।
एक रेवा के किंग थे, रेवा के मतलब वहां के जो राजा थे रेवा के, उनका नाम था विश्वनाथ सिंह। तो विश्वनाथ सिंह ने क्या किया था, दो किताबें लिखी थी, परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश। ठीक है, तो आपको याद, ये तो किताब का नाम याद रखना है कि कौन सी किताब लिखी गई थी, बुंदेली में, और ये सॉरी बाघेली में, और ये बाघेली में लिखी गई थी। ठीक है, तीसरी आती है मलवी। ओके, अब ये मलवी जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो मलवी डिक्शनरी जो पहली बार कंपाइल किया गया था वो श्री प्रहलाद चंद्र जोशी ने किया था। ठीक है, श्री प्रहलाद चंद्र जोशी, और वो क्या थे, उनका नाम क्या था, श्री महेश कटारे, महेश कटारे फ्रॉम बुंदेली। ठीक है, महेश कटारे किसमें लिखे थे, बुंदेली में। और अगर हम बात करते हैं मलवी की, तो मलवी श्री प्रहलाद चंद्र जोशी। ठीक है, आगे निमाड़ी की बात करते हैं। देखो निमाड़ी की बात करेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अमर बोल क्या है, अमर बोल महाभारत का वर्जन है, अमर बोल महाभारत का वर्जन जो निमाड़ी में लिखा गया है ना, निमाड़ी ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत किसने किया है, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी ने क्या किया है, निमाड़ी ट्रांसलेशन किया है महाभारत, उसको बोला गया अमर बोल। ठीक है, वापस से क्या, श्री महेश कटारे याद, देखो बार बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा, महेश कटारे बुंदेली ऐसे करके याद करोगे तो याद हो जाएगा, महेश कटारे बुंदेली। ठीक है, बाघेली में कौन था, श्री विश्वनाथ सॉरी किंग कौन था, विश्वनाथ सिंह है ना, तो विश्वनाथ सिंह किंग इसमें बाघेली में। मलवी में प्रहलाद चंद्र जोशी। ठीक है, तो आपको एक चीज मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूं इसमें, है ना, देखो महेश कटारे से कट्टा बन सकता है ना, मिर्जापुर सब में देखी होगी, कटारे से कट्टा बन जाएगा, कट्टा कहां चलता है, मिर्जापुर कहां यूपी में। ठीक है, मिर्जापुर कहां है, यूपी में, तो कटारे कहां के होंगे, यूपी के, बुंदेली उन्होंने लिखी थी। ठीक है, बुंदेली में पहली डिक्शनरी। अब देखो हम लोग अगर बाघेली की बात करें तो बाघेली में बोला गया विश्वनाथ सिंह कहां के, रेवा के किंग थे, है ना, रेवा के किंग थे विश्वनाथ सिंह। ठीक है, तो ऐसे करके बोलोगे रेवा के किंग थे विश्वनाथ सिंह। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे तो मलवी में है श्री प्रहलाद चंद्र जोशी। ठीक है, श्री प्रहलाद चंद्र जोशी ने क्या लिखा है, मलवी में डिक्शनरी लिखी है। अब इसमें आप अपना कोई भी जो ट्रिक है वो लगा सकते हो मालवी में, मुझे अभी कुछ ऐसा सूझ नहीं रहा है, बट अगर मुझे ध्यान में आएगा आगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे हमने बोली क्या, हाँ हमने बात की निमाड़ी की। निमाड़ी में देखो अमर बोल लिखी गई थी, अमर बोल महादेव प्रसाद चतुर्वेदी जी ने लिखा है। ओके, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, देखो महाभारत को कोई महान इंसान लिखेगा, राइट, महाभारत को कोई महान इंसान ही लिखेगा ना, तो महाभारत को कोई महान इंसान लिखा है, क्या महान इंसान का नाम क्या है, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, एक और है डॉक्टर श्री राम प्रहार ने एक किताब लिखी है निमाड़ी साहित्य का इतिहास। ओके, हिंदी में, ये हिंदी में किताब है निमाड़ी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर श्री राम प्रहार। ओके, ये पूरा फैक्चुअल है, तो आपको अच्छे से इसको बस क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रज भाषा की। देखो ब्रज भाषा या ब्रज भाषा आप सब जानते होंगे कि ये मथुरा में बोली जाती है, तो ये तो ईजी है, ये मथुरा यूपी में बोली जाती है ब्रज भाषा। ठीक है, प्रोमिनेंट कुछ स्कॉलर थे जैसे अमीर खुसरो हो गए, राज खान हो गए, सूरदास हो गए, मीराबाई हो गई, ये सबको सब क्या करते थे, ब्रज भाषा में ही, मतलब इनका डायलॉग जो था वो ब्रज भाषा ही था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ब्रज भाषा जो है वो मेन लैंग्वेज है हिंदुस्तानी म्यूजिक का। तो ये क्वेश्चन एक आध बार जो है स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। ओके, और सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में यूपी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जामिनेशन में भी एक बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि ब्रज भाषा जो है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक की एक लैंग्वेज है। ठीक है, क्लियर है, आगे हम बात करेंगे भदावरी। ठीक है, भदावरी कहाँ है, भदावरी इज अज्यूम्ड एज भद्रेश्वर लैंग्वेज बींग यूज बाई डाइटीज। ओके, टेरिटरी कौन सी है, तो ये एमपी यूपी राजस्थान के जो एडजनिंग एरिया वहां पे बोली जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे जंदोमती क्या है, जंदोमती इसको हम लोग चौबीसा बोली भी बोलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैंने हाईलाइट की भी है, जंदोमती को हम लोग क्या बोलते हैं, चौबीसा बोली जंदोमती। ठीक है, सबको ऐसे याद रखना है कि चौबीसा बोली जंदोमती। ठीक है, रेवा किंग विश्वनाथ सिंह। और बुंदेली का क्या हमने पढ़ा था, बुंदेली का याद किया था हमने कट्टा से कट्टर, है ना, कटारे, महेश कटारे, है ना, महेश कटारे यूपी के क्या लिखा था, बुंदेली में उन्होंने इसको बाइंड अप किया था, है ना। मालवी के हमने क्या याद किया था, श्री प्रहलाद, है ना, श्री प्रहलाद कहाँ के, मालवी के। ठीक है, और निमाड़ी में क्या याद किया था, महाभारत
अमर बोल, अमर बोली नाम है उसका, है ना, अमर बोल नाम है उसका महाभारत, जो निमारी में ट्रांसलेट किया गया है। किसने लिखा है? महान इंसान लिखा होगा, महादेव, है ना, उनके नाम है महादेव आएगा। बस ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। चंदोमती चौबीसा, चंदोमती चौबीसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएगा और बहुत सारे, पंचमली है, जतवारा है, ओके, उसके बाद फिर शिकारवारी है, कच्छ, देखो इतना याद नहीं करना, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, बाकी जो ऐसे लैंग्वेज डायलेक्ट तो बहुत सारे हैं, फिर तुरघारी है, लोधाधारी है, राजपूती है, ओके, फिर आपका पवाड़ी है, कोरवी है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये आ जाते हैं ट्राइबल डायलेक्ट्स, वो तो थे नॉन ट्राइबल। अब ट्राइबल में, ट्राइबल में आएगा भीली, ठीक है, भीली। तो ये बेसिकली ये डायलेक्ट है किसका? भीली ट्राइब का, ये इंपॉर्टेंट है, भीली ट्राइब का डायलेक्ट है, जो कहाँ रिसाइड करता है? झाबुआ में, वेस्ट निमार, धर, रतलाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। किधर देख लेते हैं झाबुआ, ओके, रतलाम वगैरह। तो पहला देखो यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे तो नीमच, मंडसौर, रतलाम, देखो रतलाम आ गया, रतलाम, झाबुआ, है ना, धर, तो ये वाला एरिया है इधर जो है भीली ट्राइब रहता है। आपको बस देखो मैप में दिखाता हूँ इसीलिए ताकि मैप में आपको बिल्कुल ध्यान हो जाए कि किस तरफ की बात की जा रही है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ रतलाम कौन से एरिया में आता है, अगर हम मध्य प्रदेश का डिवीजन का पहले के बारे में बात करते हैं 1956 से पहले का, तो रतलाम कौन से एरिया में आता है, तो आप क्या बोलोगे? ये मध्य प्रांत में आता है ना, मध्य प्रांत, हमने हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है मध्य प्रांत, ये पूरा एरिया जो है वेस्ट साइड का, ये मध्य प्रांत में आता है। ये वाला किस में आता है? ये आता है सेंट्रल प्रोविंस और बेरार में, है ना, और ये विंध्य प्रदेश में, ठीक है, ये ऊपर वाला। तो इस तरह से आपको, इस तरह से आपको ध्यान होना चाहिए, हर एक चीज कोरिलेट कर सकते हो आप, है ना। तो रतलाम, झाबुआ, धर में क्या आता है? आपका भील ट्राइब रहती है जो भीली लैंग्वेज को यूज करती है, ठीक है। इसका डीप इन्फ्लुएंस है निमारी, राजस्थानी और गुजराती और मालवी में, गुजरात के पास, राजस्थान के पास है, तो इसमें इसका इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। मवासी क्या है? मवासी जो है, मवासी ट्राइब, ये भी देखो जितने लैंग्वेजेस वो ट्राइब के नाम पे है, तो मवासी ट्राइब बोलती है, और छिंदवारा कहाँ पे? छिंदवारा में रहती है, ठीक है। छिंदवारा कहाँ है? यहाँ पे, ये तो याद हो गया होगा आपको अभी तक, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, कहाँ का? मध्य प्रदेश का, एरिया वाइज छिंदवाड़ा क्या है? सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे मवासी ट्राइब रहती है जो कि मवासी डायलेक्ट को यूज करती है, ठीक है। फिर बात करेंगे बरेला, बरेला जो है वो भील का ही सब ट्राइब है, ये भीली ट्राइब का ही सब ट्राइब है बरेला, और ये भी खारगोन अलीराजपुर के एरिया में रहता है। देखो भील कहाँ थे? रतलाम, झाबुआ, धर, और अलीराजपुर में कौन रहता है? ये लोग, है ना, तो ये भील का ही सब ट्राइब है बरेला। बरेला के बाद है गोंडी, गोंडी जो है वो गोंड ट्राइब बोलते हैं। गोंड ट्राइब पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते होंगे और आपको करंट अफेयर भी बहुत मिलता है गोंड ट्राइब पे, तो गोंड ट्राइब को भी याद रखना है। तो ये गोंडी, गोंड ट्राइब का जो एरिया है वो होशंगाबाद है, बैतूल है, हरदा है, मंडला है, डिंडोरी है, बीच वाला एरिया, ठीक है। कहाँ पे? देखो होशंगाबाद है, बैतूल है, हरदा है, है ना, ये वाला एरिया। तो ये पूरा एरिया में कौन रहता है? आपके गोंड ट्राइब, ओके। आगे हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे बंजारी के बारे में। बंजारी क्या है? बंजारी स्पोकन बाई बंजारा ट्राइब, है ना, बंजारा आपने सुना होगा, बंजारा ट्राइब, बंजारा ट्राइब दे कॉल दिस डायलेक्ट गवारी। ये बंजारा लोग इसको ग्वारी बोलते हैं, बट हम लोग इसको बंजारी ट्राइब ही बोलते हैं क्योंकि बंजारा के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। बंजारी जो है वो राजस्थानी से डीपली अफेक्टेड है और बहुत सारे फोक सॉन्ग जो है बंजारी में बने हैं। फिर है सरियाई, सरियाई ट्राइब जो है सरियाई बोलता है, ओके, और ये कोटा से बोला, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फिर नाहल आता है, नाहल जो है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट का एक ट्राइब है, ठीक है। बैतूल कहाँ है? सर्च करो, देखो होशंगाबाद के नीचे बैतूल है ना, तो बैतूल, तो बैतूल, बैतूल ट्राइब का एक लैंग्वेज है क्या? नाहल, है ना, ये चीज। अब हमने देखो जितने भी ट्राइबल और नॉन ट्राइबल डायलेक्ट से हमने बात कर ली, जो भी इंपॉर्टेंट था उसके बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। एक बार फटाफट से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। बुंदेली में हमने क्या पढ़ा था? बुंदेली में कट्टा, कट्टा से कट्टर, श्री महेश कट्टर ने पहली बार डिक्शनरी को कंपाइल किया बुंदेली में। बागेली में हमने क्या पढ़ा? बागेली में हमने ये पढ़ा कि बागेली जो है मॉडिफाइड वर्जन है अर्धमगधी का। और हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा कि रेवा किंग विश्वनाथ सिंह, ठीक है। मालवी, मालवी में श्री प्रहलाद ने पहली बार डिक्शनरी को कंपाइल किया था। निमारी में, निमारी में हमने क्या पढ़ा था कि निमारी में हमने क्या पढ़ा था कि अमर बोल, अमर बोल महान इंसान लिखेगा, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा है, ओके, और श्री राम प्रहार ने, डॉक्टर श्री राम प्रहार ने इसका साहित्य का, निमारी साहित्य का इतिहास नामक किताब लिखी है। ब्रज भाषा मथुरा में बोली जाती है। प्रोमिनेंट स्कॉलर थे मीराबाई, अमीर खुसरो, सूरदास, मीरा रास खान, ये सब, है ना। और ब्रज भाषा जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक की एक मेन लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो जंडोमती, जंडोमती चौबीसा, है ना, जंडोमती चौबीसा बोली, ये हमने याद कर लिया, ठीक है। और बाकी जो है वो भी हमने देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर, स्कल्पचर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्कल्पचर में जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के स्कल्पचर में पहला आता है टेम्पल और स्टैचू,
ठीक है, जो भी मंदिर है और स्टैचू बने हैं मध्य प्रदेश में उसका स्कल्पचर। दूसरा है स्तूप का, स्तूपा है ना, जो बुद्धा जो बुद्धिज्म से रिलेट करते हैं। तीसरा है केव्स, है ना, केव्स बहुत सारे केव्स है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में बात करेंगे। भीमबेटका पेंटिंग्स है वगैरह वगैरह, ओके वो सब के बारे में। तो देखो हम जब टेम्पल की बात करते हैं तो टेम्पल के मेन फीचर क्या है मध्य प्रदेश में उसके बारे में बात करते हैं। पहला चीज जो जितना भी टेम्पल देखोगे, देखो मध्य, देखो एक चीज, मध्य प्रदेश जो है वो नॉर्दर्न साइड में है इंडिया के, ठीक है, इंडिया के नॉर्दर्न साइड में। नॉर्दर्न साइड में 99% जो टेम्पल्स है वो नगरा स्टाइल में बने हुए हैं, ठीक है, नगरा स्टाइल में, आर्यन नगरा स्टाइल में, ठीक है। नगरा स्टाइल कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो मेन फीचर क्या होता है इस स्टाइल का, कि एक बी हाइव शेप टुवर्ड्स द मेन फीचर ऑफ द नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। बी हाइव शेप टावर्स होते हैं इसमें, बी हाइव शेप टावर्स होते हैं इसमें नगरा स्टाइल में, ठीक है। दूसरा क्या है, स्क्वायर ग्रिड प्रिंसिपल होता है, ओके स्क्वायर ग्रिड प्रिंसिपल होता है तेल, ओके इसमें नगरा स्टाइल में। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है ना, पहला चीज कि जितने भी टावर्स होते हैं नगरा स्टाइल में वो बी हाइव होते हैं, ठीक है, बी हाइव के शेप के होते हैं। दूसरा बोला जा रहा है कि जितने भी जो हिंदू टेम्पल्स है, मैक्सिमम नंबर जो हिंदू टेम्पल्स है उनमें क्या है, स्क्वायर ग्रिड प्रिंसिपल है, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है यार, इसमें एक्सेप्शन क्या है कि तेली का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कि ग्वालियर में है और ये राष्ट्रकूटा ने बनवाया है और इसका रेक्टेंगल स्क्वायर है, ओके इसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है ना कि स्क्वायर है। हमने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स की क्या होती है, स्क्वायर होती है, बट एक्चुअली तेली का मंदिर एक एक्सेप्शन है जिसका रेक्टेंगल स्टैक्ड स्क्वायर है, ओके, जो कि एक्सेप्शन है और इसको राष्ट्रकूटा ने बनवाया था, ठीक है। फिर जो जितने भी नगरा स्टाइल टेम्पल होते हैं उसमें होता है एक गर्भगृह, ओके गर्भगृह, ये अलग 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 चीज, इसमें क्या होता है, इसमें मेन डेटी बैठते हैं, जो मतलब आप देखते हो भगवान की मूर्ति, जिस रूम में भगवान की मूर्ति होती है उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भगृह बोलते हैं, ठीक है। कॉरिडोर क्या होता है, कॉरिडोर हम सब जानते हैं जो पासेज होता है ना, डिवोटी जहां से पास करते हैं उसे कॉरिडोर बोलते हैं। फिर क्या है, प्लेसेज लाइक उज्जैन ग्वालियर जो है वो फेमस है एंशियंट सीट्स ऑफ लर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये पुराने, ये अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा नगरा स्टाइल टेम्पल का कि एक्चुअली होता कैसा है। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, अब हम एक एक करके टेम्पल्स देखेंगे, ठीक है। देखो पहला जो टेम्पल आपको दिख रहा है यहाँ पर, पहला टेम्पल है खाजुराहो टेम्पल्स। खाजुराहो टेम्पल्स कहाँ है, तो ये है छतरपुर में, ठीक है, ये कहाँ है, छतरपुर में। देखो छतरपुर यहाँ है, ठीक है, छतरपुर यहाँ है, तो छतरपुर में खाजुराहो टेम्पल्स है। खाजुराहो टेम्पल्स क्या है, इसका खासियत क्या है कि ये असॉर्टमेंट है हिंदू और जैन टेम्पल का, मतलब इसमें हिंदुइज्म का भी आपको मिलेगा एविडेंसेस और जैन टेम्पल का भी एविडेंसेस आपको खाजुराहो टेम्पल में मिलेगा। खाजुराहो टेम्पल्स बेसिकली एक अकेला टेम्पल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है जिसमें आपको बहुत सारे हिंदू टेम्पल मिलेंगे और बहुत सारे जैन टेम्पल्स भी मिलेंगे। तो पहला इसका यूनिक फीचर यही है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इसमें जो एरोटिक स्कल्पचर है उनको नगरा स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है, और बुंदेलखंड स्टाइल जो है वो नगरा स्टाइल का सब स्टाइल है ना, मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये नगरा स्टाइल है, नगरा स्टाइल का सब स्टाइल क्या है, बुंदेलखंड स्टाइल, ठीक है। अब देखो बुंदेलखंड जो स्टाइल है ना उसको चंडेल किंग्स ने बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज किया था, पैट्रोनाइज का मतलब होता है बहुत ज्यादा डोनेशन वगैरह दिया, बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए हम बुंदेलखंड स्टाइल को चंडेल स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो अपना कमेंट करके बताना कि सर आप बहुत फास्ट जा रहे हैं, तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। जहां भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। और लास्ट वीडियो में आपने देखा तो सही, कुछ लोगों ने 20-21 व्यूज शायद उसमें गए हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आप लाइक नहीं करते हो, आप कमेंट भी नहीं करते हो, तो ऐसा मत करो यार, बहुत मेहनत लगती है देखो कॉन्टेंट बनाने में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप व्यूज नहीं आ रहे हैं, ऊपर से लाइक अगर जो देख रहे हैं वो भी लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो फिर क्या फायदा वीडियोस बनाने का, राइट। इतना डिटेल में आपको कोई भी चैनल नहीं पढ़ाएगा एमपीजी के, आई कैन अश्योर यू दिस, क्योंकि मैंने खुद चेक किया हुआ है, ओके। इसीलिए मुझे लगा कि इस चीज की नीड है जो स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए, ओके। तो इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाता है, बोलेंगे पेड कोर्स ले लो, यहां मैं फ्री में आपको बता रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो। तो मैंने क्या बोला कि बुंदेलखंड स्टाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, चंडेल स्टाइल भी बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हो गया खजुराहो टेम्पल, है ना, खजुराहो टेम्पल। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे बुंदेलखंड के आर्किटेक्चर जो होता है, बुंदेलखंड आर्किटेक्चर, इसका दो बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, दो फीचर्स हैं। क्या, पहला फीचर ये है कि उरुश रिंग मतलब क्या होता है कि बुंदेलखंड के जो भी आर्किटेक्चर होते हैं उसके टॉप पे एक टावर होता है, मतलब जैसे मान लो ये मंदिर है तो इसके टॉप पे ना एक टावर होगा, ये बुंदेलखंड का डिस्टिंक्ट फीचर है, ठीक है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, दूसरा है अंतराल। अंतराल का मतलब एक बहुत लंबा, बहुत ही लेंदी कोर्ट होगा,
कोर्टयार्ड होगा, है ना, इन फ्रंट ऑफ गर्भगृह। जैसे ये मंदिर है तो इसके अंदर गर्भगृह है, यहाँ पे मूर्ति है भगवान जी की, और यहाँ पे बहुत लंबा एक कोर्ट होगा, उसको बोलते हैं अंतराल। ठीक है, तो बुंदेलखंड आर्किटेक्चर में क्या है, दो डिस्टिंग फीचर है, उरुशरिंग और अंतराल। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे चतुर्भुज। देखो खाजुराहो कहाँ है, खाजुराहो है छतरपुर में, चतुर्भुज है ओरछा में। ओके, चतुर्भुज मतलब फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड विष्णु की एक स्कल्पचर है जिसमें चार चार भुजाएं हैं उनकी, इसलिए उसको बोलते हैं चतुर्भुज। मंदिर को भी चतुर्भुज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लॉर्ड विष्णु का स्कल्पचर है, उसमें चार भुजाएं हैं, मतलब फोर आर्म्स है, है ना, बेंटन वाला फोर आर्म्स नहीं है वो। ओके, उसके बाद क्या है, देखो अब एक बात यहाँ पे ये है कि चतुर्भुज टेम्पल जो है उसको डिजाइन किया गया है ऐसा कि उसमें बहुत सारे रिलीजियस सिंबल्स डाले गए हैं उसके बाहरी वॉल पे, वाइल द इंटीरियर जो है वो प्लेन और सिंपल है। इसका मतलब क्या है, जैसे जो टेम्पल है ना, जो टेम्पल है तो टेम्पल के जो इनर वॉल्स है, जो आप ये वाले वॉल्स देख रहे हो ना, इनर वाले, ठीक है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल सिंपल है, मतलब पेंट कर दिया है इसको ऐसे करके और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आउटर, ये जो इस साइड का जो वॉल है, आउटर वॉल, आउटर वॉल पे बहुत सारे रिलीजियस सिंबल्स बने हुए, जैसे ओम हो गया ना वगैरह वगैरह, तो इस तरह से बहुत सारे स्टाइल्स बने हुए हैं। अंदर से सिंपल है, बाहर से क्या है, बाहर से सॉरी अंदर से, अंदर से सिंपल है, बाहर से क्या है, बाहर से इसमें जो है सिंबल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये खजुराहो टेम्पल कहाँ है, ओरछा, सॉरी चतुर्भुज टेम्पल कहाँ है, ओरछा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो मंदसौर में है। ओके, और ये फेमस क्यों है ना, क्योंकि इसमें एक यूनिक शिवलिंग है जिसमें लॉर्ड शिवा के 8 फेसेस है। ओके, ये क्यों फेमस है पशुपतिनाथ, क्योंकि इसमें शिवलिंग है, एक ऐसा शिवलिंग जिसमें लॉर्ड शिवा के 8 फेसेस है, इसीलिए मंदसौर का यह पशुपतिनाथ टेम्पल बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट फेमस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा टेम्पल पे, जो कि उज्जैन में है। ओके, और ये फेमस क्यों है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, फिर से बता रहा हूँ, इसमें जो आइडल है महाकालेश्वर का, कालेश्वर जी का, वो क्या है, वो साउथ फेस्ड है, मतलब उसका जो फेस है ना, वो फेस की तरह है, वो साउथ की तरह फेस किया हुआ है, इसलिए फेमस है। क्लियर है, आगे हम बात करेंगे विष्णु टेम्पल के बारे में। तो विष्णु टेम्पल जो है वो गुप्ता पीरियड में बनाया गया था। ठीक है, विष्णु टेम्पल जो है गुप्ता पीरियड में बनाया गया था, ये देवघर यूपी में है। ओके, झारखंड वगैरह देवघर में नहीं है, ये देवघर यूपी में है। ओके, एक देवघर यूपी में, एक देवघर नाम की जगह, वहां पे गुप्ता स्टाइल का जो स्कल्पचर है वो यहाँ पे विजिबल है अच्छे से, क्योंकि गुप्ता पीरियड में ही बना है। यहाँ पे स्टैचूज ऑफ विष्णु वेयर बोथ स्कल्पचर इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने चतुर्भुज में देखा कि सिर्फ बाहर की तरफ जो है रिलीजियस सिंबल बने हैं, लेकिन गुप्ता वाले में जो है, विष्णु टेम्पल में क्या है कि बाहर और अंदर दोनों में विष्णु जी के स्टैचू को बनाया गया है दीवारों पे। ओके, ये चीज है। आगे हम बात करेंगे ब्राह्मण देव टेम्पल। ब्राह्मण देव टेम्पल कहाँ है, उन्नाव में, दतिया में। ओके, उन्नाव दतिया में है। ओके, इसमें क्या है, ब्राह्मण देव टेम्पल जो है वो सन गॉड के लिए है। ठीक है, सन गॉड के लिए स्टैंड से ना ब्रिक प्लेटफॉर्म कवर्ड विद ब्लैक प्लेट्स, मतलब ऐसा है क्या है कि एक ब्लैक प्लेट, मतलब एक ब्रिक प्लेटफॉर्म है, वो ब्लैक प्लेट से ढका हुआ है और उसके ऊपर सन गॉड है, तो इसलिए बहुत फेमस है ब्राह्मण देव टेम्पल। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग किसकी, टेम्पल्स ऑफ ग्वालियर के। तो ग्वालियर में कई सारे टेम्पल है ना, ग्वालियर में कई सारे टेम्पल है, जिसमें हमने एक टेम्पल के बारे में पहले पढ़ा भी। ठीक है, जैसे तेली का मंदिर है ना, तेली का मंदिर में पढ़ा था, कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ तेली का मंदिर राष्ट्रकुटा। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है। तो इस तरह से एक सूर्य मंदिर भी है जो गॉर्जियस स्कल्पचर है लॉर्ड सूर्य का उसमें। ओके, और ये व्हाइट मार्बल से क्या किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है टेम्पल, अंदर से ये व्हाइट मार्बल से बना गया लॉर्ड सूर्य का टेम्पल। ठीक है, टेम्पल ऑफ ग्वालियर में। लास्ट जो टेम्पल आता है वो आता है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर टेम्पल जो है वो नर्मदा के बैंक पे है, जहाँ नर्मदा रिवर बहती है वहां पे है। ओके, और ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा है इसका, लॉर्ड शिवा का। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है लॉर्ड शिवा के, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो ओमकारेश्वर है, और वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगास इज प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश, तो आप बोलोगे ओमकारेश्वर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था पूरा आपका टेम्पल्स के बारे में। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे स्तूप के बारे में। स्तूप में देखो क्या है, तो देखो सबसे बड़ा जो ग्रेट स्तूप है वो सांची में है। सांची कहाँ है, राइजन डिस्ट्रिक्ट में। और राइजन कहाँ है, एक बार देख लेते हैं। देखो राइजन कहाँ है, बीच में। ठीक है, राइजन बीच में, यहीं पे सांची है, भोपाल के बगल में। ओके, और ये जो स्तूपा डॉक्यूमेंट करवाया गया था जनरल टेलर के द्वारा, ब्रिटिश ऑफिसर थे ये। ओके, और ये बुद्धिस्ट आर्ट लिटरेचर का बहुत ही, आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बोला जाता है कि देखो क्यों क्वीन देवी थी जो कि अशोका की वाइफ थी, उन्होंने सुपरवाइज किया था इस मॉन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन, मतलब जब ये बन रहा था स्तूप, स्तूप का जो कंस्ट्रक्शन है उसको सुपरवाइज कर रही थी क्वीन देवी, जो कि अशोका की वाइफ थी। ठीक है, यहाँ पे आपको अशोका पिलर भी मिलेगा। ओके, अशोका पिलर भी मिलेगा, और जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उसमें कुछ कुछ लिखा गया है, जिसमें कौन शेल्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शंख लिपि और शेल स्क्रिप्ट।
ठीक है, शंख लिपि में कुछ कुछ लिखा हुआ है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अशोकन पिलर पे। ठीक है, ये जो स्तूप है ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है अभी तक का इंडिया में, मतलब बहुत पुराना स्टोन स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये मौर्यम पीरियड में क्या किया गया था, ऐसा बोलते हैं कि मौर्यम पीरियड में ही स्तूप को बनाया गया था, है ना, जो कि 3rd century BC में था, ठीक है, सॉरी AD में था। ओके, एम्परर अशोक दिस ह्यूज हेमिस्फेरिकल डोम विथ अभी का हाइट बोला जा रहा है, तो हाइट क्या है, 12.2816 मीटर का, लगभग 54 फीट, है ना, 54 फीट का ये क्या था, ये 54 फीट का आपका स्तूप था। ओके, और इसमें क्या होता है स्तूप में, देखो स्तूप कैसा होता है, स्तूप में बताता हूँ, ये स्तूप जो है वो इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसा तरह का स्तूप होता है, इसके चारों तरफ से क्या होता है, इस तरह से ऐसे बाउंड्री होती है, ठीक है, इसका एक गेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तोरण, ठीक है, इस तरह से एक गेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तोरण। ओके, ये तोरण होता है, बेसिकली कुछ कुछ स्तूप में चार तोरण है, किसी में एक तोरण है, डिपेंड करता है, तो ये चार तोरण है सांची में, तो मतलब चार द्वार है, चार तरफ से आप एंटर कर सकते हो, फिर यहाँ पे कॉरिडोर होता है, आप यहाँ से चढ़ के जा सकते हो और स्तूप में स्तूप के बस, ठीक है, इस तरह से होता है, यही चीज है। और हाँ, स्तूप जो है वो बुद्धा के रिलिक्स पे बनते हैं, मतलब बुद्धा के रिलिक्स का मतलब कि जहां जहां पे बुद्ध के अंश मिले हैं ना, वहां वहां पे स्तूप का फॉर्मेशन करवाया गया है, तो आपको याद रखना है। ओके, 4 ornamental gateways है, मैंने बताया आपको। अब हम बात करेंगे आगे बरहू स्तूप के बारे में, बरहू स्तूप कहाँ है, तो बरहू स्तूप जो है वो सतना डिस्ट्रिक्ट में, सतना कहाँ पे एक बार देख लेते हैं, देखो सतना कहाँ है, तो ये हो गया आपका सिंगरौली सीधी रेवा सतना, है ना, यहाँ पे सतना, देखो सतना डिस्ट्रिक्ट में क्या है, बरहू स्तूप, तो बरहू स्तूप जो है वो सतना में है। और दूसरा इसमें क्या पढ़ना है, बरहूत रिमेन्स आर नाउ लोकेटेड इन द इंडियन म्यूजियम। ओके, ये जो आप अगर आपको देखना है कि बरहूत के जो, मतलब देखो बरहूत कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया एक्चुअली, है ना, लेकिन उसके जो रिमेन्स है वो कलकत्ता के म्यूजियम में अभी भी रखे हुए हैं, तो अगर आपको देखना है कि बरहू स्तूप के रिमेन्स, तो आप कलकत्ता जाके वहाँ के इंडियन म्यूजियम में देख सकते हो। ओके, बरहू स्तूप जो है वो पहली बार बिल्ट हुआ था किंग अशोका के द्वारा 3rd century BC में, बट मेनी वर्क्स ऑफ आर्ट पार्टिकुलरली द गेटवे एंड रेलिंग्स वेर अपेरेंटली एडेड इन शुंगा पीरियड। देखो शुंगा पीरियड में बहुत सारे एडिशंस हुए थे, लेकिन बना था ये कब, बना था अशोका के पीरियड में ही, ठीक है। द सेंट्रल स्तूप जो है उसको स्टोन रेलिंग, जो मैंने बताया अभी ऊपर रेलिंग होती है इस तरह की, है ना, स्टोन की, तो स्टोन रेलिंग से उसको सराउंड किया गया है, और उसमें चार तोरंग गेट है जो मैंने आपको दिखाया, चार तोरंग गेट होते हैं। ओके, जैसे सांची में था। अब इसमें क्या है, इसमें आपको एक एपिग्राफ भी मिलता है, एपिग्राफ ऑन अ पिलर ऑफ गेटवे ऑफ द स्तूपा मेंशन्स इट्स इरेक्शन ड्यूरिंग द रूल ऑफ शुंगास बाय वत्सपुत्र दानाभूति। बेसिकली एक एपिग्राफ है, एपिग्राफ का मतलब क्या है, वहां पे दीवार में कुछ लिखा हुआ है, एक डिटेल लिखा हुआ है कि ये जो स्तूप बनाया गया है, ये बनाया गया है वत्सपुत्र दानाभूति के द्वारा, जो कि शुंगारनेस से बिलोंग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास जो गांव, अगर आप गांव वगैरह के एरिया से बिलोंग करते हो, तो आपने देखा होगा कि वहां जब रोड बनते हैं, है ना, पंचायत रोड बनवाती है, तो वहां पे एक स्टोन पे वो लिख देती है कि यह रोड इसके द्वारा बनाया गया है, इस पार्टी के द्वारा, है ना, और इस डेट को बनाया गया है, और फिर उसका इनॉग्रेशन होता है। वैसे यहाँ पे एपिग्राफ किया गया था, ठीक है। इसमें मोस्ट फेमस डोनर फॉर बरहू स्तूप जो है वो मतलब यही थे शुंगा डायनेस्टी के, और इसमें खरोष्ठी यूज की गई है, ठीक है, खरोष्ठी को यूज किया गया है बरहू रिमेन्स में। अब यहाँ पे बात आ रही है स्वास्तिक शेप स्तूप सिंगरौली में। सिंगरौली कहाँ है, हमने बात करी थी, सिंगरौली यहाँ पर है ना, लास्ट में ईस्टर्न मोस्ट जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट है MP का। तो सिंगरौली में क्या है, सिंगरौली में ऐसे स्वास्तिक शेप स्तूप मिले हैं। ओके, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 11 स्वास्तिक शेप स्तूप जो है वो सर्च किए हैं, जिसका डेटिंग है 6th century AD, मतलब 6th शताब्दी में बना हुआ है। ओके, और ये इस प्लेस को बोलते हैं बोध दंड। तो अगर आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन में कि बुद्ध दंड कहाँ है या बोध दंड कहाँ है, तो क्या बोलोगे, इट इज इन सिंगरौली, है ना, ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये अब जो है, अब हमें पढ़ना है केव्स, तो हम लोग केव्स से जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, केव्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, अभी के लिए इतना रहने देते हैं केव्स, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्या कवर करेंगे, फेस्टिवल्स, ठीक है, फेस्टिवल्स पे नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे क्लास, और जो ट्राइब्स है वो हमारी 3rd class से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगली क्लास जो होगी वो होगी केव्स पे और फेस्टिवल पे। आई होप अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा, फीडबैक जरूर दो यार, वरना फिर कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसे मैंने भले ही बोला आपको, है ना। और बाकी आप वीडियो चेक कर सकते हो, मैं हर महीने की योजना मैगजीन का कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो भी अपलोड करता हूँ चैनल पर। हम
कंप्लीट मतलब एक साथ नहीं डालते हैं, एपिसोड वाइज डालते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप हर दिन एक देख सको आराम से, है ना, इस तरह से। तो आप उसको भी जगह चेकआउट कर सकते हो। हम अभी अगस्त पे काम कर रहे हैं, अगस्त की योजना डाल रहे हैं, जैसे ही सितंबर स्टार्ट होगा सितंबर डालना शुरू कर देंगे, सॉरी जब जैसे ही सितंबर एंड होगा हम सितंबर का भी डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।